me. Oh, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पिजन सर्वर। तो भाई कल कुछ अपने साथ हादसा हुआ था, तो मैंने वीडियो बना रखी है कल की। तो भाई कल एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने कोई कबूतर पकड़ा था, तो मैं उसके कैंची मार रहा था, तो उसका भाई खून का पर कट गया भाई, गलती से कटा। मैंने तो फूंक मारा, देखा भाई खून का पर था, लेकिन मैंने उसको अलग छांट के काटा, तब पर ही भाई एक आ गया, एक बाद एक कली जो होती है खून की वो आ गई। तो भाई वीडियो देखो, और भाई कुछ मैंने बता रखा उस वीडियो में, देख लेना भाई, ठीक है। अभी तो कबूतर की हालात कंडीशन अच्छे हैं, तो भाई वीडियो जाकर देखो, ठीक है भाई। तो भाई इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी जल्दबाजी में पर मत काटो। देखो भाई अभी अभी कबूतर पकड़ा है मैंने, अभी एक मिनट भी नहीं हुआ इसे पकड़े, देखो भाई कितना खून निकल रहा है बेचारे के। कितनी तारीख आज है? 27 तारीख है। देखो भाई 27 तारीख को कबूतर पकड़ा था, इतना खून निकल रहा है। जा रुई लेके नीचे भाग के, ठीक है। अभी अभी पकड़ा, इसे कैंची मार रहा था यार, पता नहीं कैसे इसका खून का पर कट गया यार। तो भाई अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ तो बताना जरूरी है। देखो ये खून लगा हुआ मेरी पैंट पे, और वहाँ पे खून गिरा हुआ है, और ये कुछ रुई के टुकड़े हैं। अब भाई पता नहीं कैसे रोकते हैं खून, मुझे तो नहीं पता, उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन भाई बहुत सही में बहुत बुरा लग रहा है यार। बताओ बेचारा अभी अभी मेरे छत पे उतरा था पानी पीने के लिए, और मैंने इसे पकड़ लिया। तो देखो मैं भी कितना आरामी में सीधा कैंची उठा ला है कैंची मारने के लिए, बेचारा खून का पर काट दिया मैंने। मैं खुद बंदों को वीडियो बना के बताता हूँ कि भाई ऐसे करा करो ऐसे करा करो, और भाई मेरे से इतनी बड़ी गलती होगी। ये देखो कितना बड़ा खून, इतना गाढ़ा खून है इसका। वहाँ पे पोंछा मैंने पूरा खून, वहाँ कोने में रुई पड़ी हुई है, बहुत सारा खून लगा हुआ है। ये इसके लॉफ्ट, ये मेरे लॉफ्ट में खून गिरा हुआ है, ये इस बच्चे के हाथ में खून लगा हुआ है, मेरे पूरे हाथ में खून लगा हुआ है। भाई कैसे हो गया मेरे को भी नहीं पता, इधर करिए बेटा। देखो इसका पूरे, उसकी पूरी बाजू में से खून निकल रहा है भाई, क्या कर सकते हैं भाई। अब भाई क्षमा कर दिए मेरे को, कौन सी नस्ल का कबूतर है, पंजाबी भाई, क्षमा कर देना मेरे को, मैंने पर कट गए गलती से। चलो कोई नहीं यार, उड़ नहीं पाएगा, उड़ेगा क्यों नहीं, उड़ेगा उड़ेगा, टाइम लगेगा अभी इसमें, ठीक है। दर्द हो रहा होगा यार इसको बहुत, तेरी उंगली कोई काट दे दर्द होगा ना तुझे, दर्द हो रहा होगा बेचारे को। चल कोई नहीं यार, तो भाई कुछ ये कंडीशन इस कबूतर की, आपको अभी खून दिखाता हूँ भाई, खून कितना निकला इसके। ये रहा और ये मेरा हाथ, और अभी इसके रुई में दिखाता हूँ खून। तो भाई ये पूरा इसका ही खून है, तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी तो नहीं लगी होगी। भाई मेरे को कमेंट में गालियाँ भी दोगे, लेकिन भाई ये वीडियो बनाने का मेरा बस यही पर्पस था, ये तो मैंने एकदम से बना दी भाई, मेरा कोई मूड नहीं था वीडियो बनाने का। तो भाई मेरा ये वीडियो बनाने का बस यही मकसद है कि भाई आगे से आप भी सतर्क रहना, और भाई कबूतर के पर अच्छे से काटना। तो भाई अब आप भी समझ ही गए होगे कि भाई कैसे काटने होते कबूतर के पर, कैसे नहीं। और भाई कोई वीडियो बनाने का मकसद तो था नहीं, मैं छत पे था, एकदम से आके उतर गया, और बेचारे के मैं कैंची मार रहा था तो इसके खून भी निकल गया, ये भी गाली दे रहा होगा मेरे को। तो आई होप गाइस कि आपको कुछ समझ में आया होगा कि कबूतरों के साथ ऐसी ऐसा गंदा बिहेवियर नहीं करना चाहिए, अब भाई क्या कर सकते हैं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो और अच्छी लेके आऊँगा अपनी तरफ से, और भाई आज के लिए मुझे माफ़ कर देना, ठीक है भाई, दोस्ती बन जाओ।